हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 फीचर बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एज ब्राउज़र वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्राउज़र है और आप में से कई लोग इसको यूज़ भी करते होंगे, तो आज मैं आपको इसके कुछ टॉप 5 फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जो मेरा फीचर है वो है इसमें डार्क मोड। तो इसमें डार्क मोड कैसे ओपन करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एज ब्राउज़र ओपन कर देता हूँ। यह है एज ब्राउज़र और यहाँ पे आप एक तीन डॉट देख रहे हैं कॉर्नर में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ ड्रॉप डाउन आके सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक सेटिंग का बटन दिख रहा है। आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में आपको एक अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिफ़ॉल्ट थीम। अभी ये डिफ़ॉल्ट थीम आप देख रहे हैं लाइट है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे आप इसको डार्क मोड कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्विच हो गया डार्क मोड में, अब ये ब्लैक मोड में नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह से आप इस एज ब्राउज़र में डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। वापस इसको लाइट मोड कर देते हैं। तो अगला मेरा जो फीचर है वो है वर्टिकल टैब्स। अब यहाँ पे वर्टिकल टैब्स आपको कैसे इनेबल करना है, यहाँ पे आप कॉर्नर में एक फीचर देख रहे हैं टर्न ऑन वर्टिकल टैब्स। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मेरे तीन अभी टैब्स ओपन है, ये गूगल है और ये वेबसाइट ओपन है, दो तीन टोटल टैब्स है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैब्स आपके ऊपर ना होकर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गए हैं। तो यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और ये बार बार, जैसे अभी आप नहीं देख पा रहे कि कौन सा वेबसाइट है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है पिन करने का। तो यहाँ इस पेन को पिन कर सकते हैं आप। जैसे ही पेन को पिन कर देंगे तो अगेन आपका ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये बार बार बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं वेबसाइट टू वेबसाइट या टैब टू टैब, और ईजिली आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वर्टिकल टैब्स भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एज ब्राउज़र का फीचर रहेगा रीड अलाउड एंड इमर्सिव रीडर। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई वेबसाइट ओपन है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, कुछ लाइन लिखा हुआ है, तो आप सिंपली उसको आप जितना रीड अलाउड चाहते हैं उतना आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा रीड अलाउड सिलेक्शन। तो जैसे ही आप रीड अलाउड सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर रीड अलाउड किया जाएगा। Easily find, share and edit files in real time using familiar apps like Word, PowerPoint and Excel in Microsoft Teams. तो आपने सुना कि रीड अलाउड फीचर कैसे काम करता है। मैं अगेन यहाँ पे थोड़ा रन करके आपको इसके कुछ फीचर्स भी दिखाता हूँ। तो जैसे ये मैंने अभी राइट क्लिक करके अगेन रीड अलाउड किया, Easily find. यहाँ पे ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप इसको पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा वॉइस ऑप्शंस का। तो यह जैसे ही आप वॉइस ऑप्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उस स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल है। और यहाँ पे और हमें अगेन फीचर्स दिए हुए हैं कि आप किस लैंग्वेज में उसको सुनना चाहते हैं या किस अदर्स मतलब वॉइस में अवेलेबल है, जैसे आप फीमेल वॉइस है मेल वॉइस में भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आप कुछ सेटिंग्स वगैरह इसमें इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नेचुरल रहता है या जो भी इसमें फीचर्स हैं वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो इस तरह से आप इस जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है रीड अलाउड एंड इमर्सिव रीडर। तो चौथा मेरा जो वेब ब्राउज़र का फीचर रहेगा वो है वेब कैप्चर। अब वेब कैप्चर कैसे ओपन करना है आपको, यहाँ पे सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं आप वेब कैप्चर का। तो जैसे ही आप वेब कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप फ्री सिलेक्ट कर सकते हैं या फुल पेज ले सकते हैं। तो फ्री सिलेक्ट में आप सिंपली जैसे आप सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ भी आप इतना ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ऐड नोट्स में डाल सकते हैं, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो ये है हमारा चौथा वेब कैप्चर फीचर। लास्ट मेरा जो फीचर रहेगा वो है पिन एंड अनपिन टैब्स। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं तीन टैब्स ओपन हैं। तो जैसे मान लीजिए आप नहीं चाहते कि बार बार आपको वेबसाइट ओपन करनी पड़े जब भी आप क्रोम क्लोज करके या ऑन करें, तो इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा इस टैब पे और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा पिन टैब। तो जैसे ही आप पिन कर देंगे तो
तो ये टैब मूव होके यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। तो जैसे ही मैं इसको भी कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये दूसरा टैब है, इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, और अब मैं इस ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ। अब ये मेरा ब्राउज़र क्लोज हो गया है, तो अगेन मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ओपन करता हूँ, तो मुझे वो दोनों पिन जो लास्ट टाइम किए थे टैब, वो अगेन मेरे पास ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस टैब्स को पिन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके अगेन अनपिन भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको अनपिन कर देता हूँ, तो इस तरह से आप इस किसी भी टैब्स को पिन या अनपिन कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का वीडियो, और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना रखा है, कैसे आपको डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। उसका लिंक मैं आई बटन और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ उसको भी आके चेक कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, थैंक यू।